धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुल 16 पितृपक्ष होते हैं जो भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इन सभी 16 पितृपक्ष में सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने पितरों के श्राद्ध भूल जाते हैं उनके लिए शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं। जो लोग अपने पितरों के श्राद्ध भूल जाते हैं या उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके पितरों का श्राद्ध किस तिथि में होगा, उनके लिए शास्त्रों में एक निश्चित तिथि बताई गई है। जो लोग अपने पितरों के श्राद्ध भूल जाते हैं उन्हें अपने पितरों का श्राद्ध अश्विन मास की अमावस्या को करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पितर जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उन्हें शांति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 से और क्या कुछ कहा है सुनिए। श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं तो इसमें कई भ्रांतियां ऐसी होती हैं, किसका श्राद्ध कैसे करें। तो जैसा कि अमावस्या आएगी पितृपक्ष में तो उसका नाम है पितृ विसर्जन अमावस्या, अर्थात उस दिन हम सभी पितरों को सभी इतने दिन का जो 16 दिन का श्राद्ध होते हैं उन सब में हम सब विधि विधान से सब कार्य करते हैं पितरों का, तो उस दिन पितरों को विदा भी किया जाता है। परंतु सवाल यह है कि कई बार ये हो जाता है कई लोगों के श्राद्ध छूट भी जाते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता, तिथियों का ज्ञान नहीं होता, पंडित के द्वारा नहीं पूछते हैं या कोई भ्रम में रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पितृ विसर्जन अमावस्या को जिनका श्राद्ध छूट चुका है तो वे पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या को उनका श्राद्ध करना उचित होता है और हमें अपने कार्य करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है, हमारा कार्य विधि विधान से संपन्न हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा विधान है कि जिन पितरों का श्राद्ध करना भूल गए हैं या हमें याद नहीं है उसको कहते हैं ज्ञात अज्ञात। जो हमारे ज्ञात अज्ञात हमारे पितर हैं उनका भी हम पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ही अर्थात अंतिम जो श्राद्ध का दिन है 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर को हम इस उन सभी पितरों का जो ज्ञात अज्ञात हैं और उनको हम भूले हुए हैं उनका सभी का श्राद्ध हम उस दिन कर सकते हैं। ऐसा विधान है और तभी हमें उसका फल प्राप्त।